हेलो फ्रेंड, अक्षय कुमार के इस साल करियर के लिहाज से काफ़ी ख़राब रहा। साल 2022 में रिलीज हुई उनकी तीन फिल्में पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो चुकी थी। अब राम सेतु की नहीं अभी डूबती दिखाई दे रही है। राम सेतु दिवाली की वेकेशन के मौके पर 25 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। देश में तो इसका हाल बुरा है ही, विदेशों में भी इसका बहुत बुरा हाल है। दोस्तों चलिए जानते हैं विदेशों में इसने कितना कारोबार किया। जानकारी के मुताबिक अब तक राम सेतु ने सभी विदेशी बाजारों में तकरीबन 5.37 करोड़ का कारोबार किया, जो बेहद निराशाजनक है। आप जानते हैं किस देश में इसने कितनी कमाई की, चलिए देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसने कितनी कमाई की। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, इसके बावजूद इसने मात्र 1.79 करोड़ के आसपास की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी प्रांत को मिला दिया जाए तो यानी 180 करोड़ के आसपास। कनाडा में बेहद निराशाजनक रहा, 70.83 लाख। यूके आयरलैंड में 71.02 लाख। ऑस्ट्रेलिया में 37.85 लाख और न्यूजीलैंड में 20.62 लाख। तो दोस्तों ये था इसके यूरोपियन कंट्री और अमेरिका महाद्वीप में इसकी कमाई का ग्राफ, जो बेहद निराशाजनक है। दोस्तों कुछ और दिन बीतने के बाद भी इसकी कमाई बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इंडिया में इसकी कमाई लगभग 69 से 70 करोड़ के आसपास ही है और ये अपना बजट नहीं निकाल पाई है। तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल सही होगा कि राम सेतु भी अक्षय कुमार की चौथी फ्लॉप फिल्म की श्रेणी में आ चुका है। धन्यवाद।